नमस्कार, मेरा नाम है शशिभूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। आज सोमवार को सुबह 8:16 पे देश के जाने माने नेता, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का देहांत हो गया और इसकी सूचना अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पे दी है। ये बेहद ही दुखद समाचार है क्योंकि राजनीति के जाने माने वो रेसलर तो थे ही और राजनीति के अखाड़े के सबसे मजबूत नेता थे मुलायम सिंह यादव। आज देश को, उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। उनकी अपनी एक विचारधारा थी, समाजवाद की विचारधारा, और राजनीति को बनाना, राजनीति के साथ खेलना, राजनीति में ही वो बड़े हुए और लोग ये जानते हैं कि वो पहलवान थे। पहलवान तो थे और उस पहलवानी में उन्होंने ना जाने कितने पहलवानों को पटखनी दी, लेकिन राजनीति में भी उन्होंने पटखनी दी। 3 बार के मुख्यमंत्री, 7 बार के सांसद रहे। आज हम उनके जीवन के बारे में बताएंगे पूरा। आज जो समाजवादी विचारधारा के लोग है, पूरा देश है, देखिए राजनीति में पक्ष विपक्ष होता है, लोग एक दूसरे से लड़ते हैं और जिस तरह से राजनीति होती थी, लेकिन मतभेद होते थे, मनभेद नहीं होता था। आज नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जब हम मुख्यमंत्री थे तो उनसे मिलते थे, बातें होती थी। मुलायम सिंह यादव का कद कुछ और था, उनके जैसा ना नेता हुआ है ना होगा। आज हम आज उनके स्टोरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में बताएंगे कि किस तरह से छोटे कद के रेसलर मुलायम सिंह यादव ने अपना इतना ऊंचा कद बनाया, रक्षा मंत्री भी थे। आइए उनके बारे में बताते हैं कि कैसा उनका जीवन रहा, कितना उनका कद था। आज पूरा यूपी, पूरा देश शोकाकुल है। आइए उनके बारे में कुछ हम आपको बताते हैं। रेसलिंग के रास्ते ही राजनीति में आए थे मुलायम सिंह यादव। कुश्ती प्रतियोगिता में अपने राजनीतिक गुरु को किया था प्रभावित। मैं आज उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। मुलायम सिंह यादव एक राजनेता से पहले एक मशहूर रेसलर थे। उन्होंने एक से बढ़ के एक पहलवानों को हराया, अपने राजनीतिक गुरु को प्रभावित किया। कुश्ती प्रतियोगिता से ही उनके राजनीति का रास्ता तैयार हुआ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव को ज़्यादातर लोग सिर्फ एक राजनेता के तौर पे जानते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि वे एक राजनेता से पहले एक अच्छे रेसलर भी रहे। उनके नाम देश के मशहूर रेसलर के रूप में जाना जाता था। उन्होंने रेसलिंग से ही राजनीति में आने का रास्ता बनाया। जी हाँ, रेसलिंग के रास्ते ही मुलायम सिंह राजनीति में आए थे। दरअसल ये बात 1962 की है। मुलायम सिंह के अंदर जो सबसे बड़ी बात थी वो राजनीति के विचारों को भांप लेना, राजनीति की हवाओं को, रुख को जान लेना। मुलायम सिंह यादव के, उनके कई बार बयान आए होंगे, देखा होगा 2014 के से 19 का एक बयान होगा, संसद में उन्होंने एक बयान दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बयान दिया था और किस तरह से उन्होंने कहा क्या कि फिर उनकी सरकार बनेगी। मुलायम सिंह यादव ये बहुत कम नेता होते हैं जो राजनीति की हवा को भांप ले, राजनीति की रूख को जान ले कि किस तरफ करवट बदला जाएगा। वो पहले ऐसे नेता थे जिनके बारे में ये बताया जाता था कि अगर वो हेलीकॉप्टर से उत्तर प्रदेश के किसी रैली में जा रहे हैं तो उनका अनुभव ऐसा होता था कि वो बता देते थे कि किस तहसील या किस क्षेत्र से या किस जिले के ऊपर से ये हेलीकॉप्टर जा रहा है। ऐसे नेता बहुत कम होते हैं, बहुत जमीनी नेता थे। आज तो ट्विटर वाले नेता हो रहे हैं जो अपने एसी के रूम में बैठ के ट्वीट कर दे रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव जननेता थे। जननेता की क्या परिभाषा होती है वो मुलायम सिंह यादव ने सिद्ध किया था। जननेता की क्या परिभाषा होती है, जब राजीव गांधी जी की सरकार बनी थी, प्रचंड मोहब्बत में कांग्रेस की सरकार आई थी, लोग चिंतित थे, विपक्ष चिंतित था, और तब मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि आप जोर करिए, हम यूपी में देखिएगा किस तरह से लड़ेंगे। और उन्होंने हजरतगंज के चौराहे पर जिस तरह से जाके उन्होंने आंदोलन किया, जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी को, विपक्ष को मजबूत करने का काम किया, वो थे नेता मुलायम सिंह यादव। आइए उनके बारे में कुछ और दिलचस्प चीज़ें हम आपको बताते हैं। आज जब उनके मृत्यु की खबर मिली तो राजनीति के गलियारे में एक तरह से भूकंप सा आ गया। राजनीति होती रहती है, सरकारें बनेंगी आएंगी, लेकिन नेता एक बार बनता है। आइए उनके बारे में कुछ बताएं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। मोदी ने कहा कि उनके विचार जानने को हमेशा तत्पर रहता था। क्या कहते हैं आगे नरेंद्र मोदी, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। लिखा, जब मैं मुख्यमंत्री था तब मेरी कई बार मुलायम सिंह यादव जी से बातचीत हुई, हमारी करीबी जुड़ाव चलता रहता था। मैं हमेशा से ही उनके विचार जानने के लिए तत्पर रहता था। मुलायम जी के निधन से मुझे दुख है,
उनके परिवार और लाखों समर्थकों के प्रति मेरी संवेदना है, ओम शांति। फिर वो आगे क्या कहते हैं, गुजरात की जनसभाओं में पीएम मोदी ने सबसे पहले मुलायम को याद किया। क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुजरात के भरूच के जनसभा कर रहे थे, यहाँ भी उन्होंने सबसे पहले मुलायम सिंह यादव को याद किया। कहा, मुलायम जी का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, मेरा मुलायम जी के साथ नाता विशेष का रहा, हम दोनों मुख्यमंत्री के तौर पर मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। 2014 में जब भाजपा ने मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए चुना तो मैंने विपक्ष में अपने परिचित लोगों को फ़ोन करके आशीर्वाद लिया था। उस दिन मुलायम जी का वह आशीर्वाद सलाह के दो शब्द आज मेरे अमानत हैं। आइए उनके बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं। ये जब मैं आपसे बता रहा हूँ तो ये काफ़ी कष्टदायक है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव एक जो कहते हैं धूरी उत्तर प्रदेश में राजनीति के थे, 82 साल के तो हो गए थे, लेकिन आज भी लोगों का विचार, लोगों को जानना समझना, आज भी उनके घर में जो भी मतभेद रहा हो मुलायम सिंह यादव उसे सुलझाने की कोशिश करते थे, एक बताने की कोशिश करते थे। और मैं आपसे बार बार ये जोर दे रहा हूँ, बहुत कम ऐसे नेता हूँ जो राजनीति की हवा को भांप ले, राजनीति की हवा को महक को जानने वाले नेता थे मुलायम सिंह यादव। आइए मुलायम सिंह यादव के बारे में और कुछ बातें जानते हैं। मुलायम सिंह यादव 2 साल से बीमार चल रहे थे, परेशानी अधिक बढ़ने पर उन्हें अक्सर अस्पताल में भर्ती कराया जाता था, पिछले साल उन्होंने कोरोना भी हुआ था। 26 सितंबर 2022 को आखिरी बार चेकअप के लिए मुलायम सिंह यादव मेदांता गुरुग्राम पहुंचे थे, तब से वे आखिरी तक वहीं भर्ती थे। 5 सितंबर 2022 को मुलायम सिंह को मेदांता में भर्ती कराया गया था, इलाज के बाद उन्होंने अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 13 अगस्त 2022 को मुलायम सिंह यादव मेदांता में भर्ती कराए गए थे, 24 जून 2022 को रूटीन चेकअप के लिए मुलायम सिंह यादव मेदांता गए थे, तबीयत खराब होने पर 2 दिन के लिए भर्ती कराया गया था। 15 जून 2022 को मुलायम मेदांता में भर्ती हुए, जांच के बाद उन्हें उसी दिन डिस्चार्ज कर दिया गया था। 1 जुलाई 2021 को मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी थी, तब उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आइए कुछ और रोचक तथ्य हम जानते हैं। मुलायम सिंह यादव ऐसे नेता थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 3 बार तो मुख्यमंत्री वो बने ही, और जिस तरह से जातिगत समूह, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी बिरादर हो, वो एक साथ लेकर वो चलते थे। यही उनकी एक छवि थी कि कहीं भी नेताजी के नाम से वो जाने जाते थे, कहीं भी जाते थे पूरा एक जनसैलाब, और देख रहे होंगे किस तरह से युवा हो चाहे 80 साल का बुजुर्ग हो, किस तरह से आंसू बहे जा रहे हैं, सेफई में एक तरह से भीड़ सी हो गई है। आप देख रहे होंगे कि कितना लोगों का प्यार है नेताजी के नाम से वो जाने जाते थे, और जिस तरह से मुलायम सिंह यादव के लिए लोग आंसू बहा रहे हैं, जिस तरह से विलाप कर रहे हैं, ऐसा जननायक शायद ही मिले। आइए कुछ और चीजें हम आपको बताते हैं। 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री, 7 बार सांसद, मैंने आपने आपको बता दिया है। जवानी के दिनों में पहलवानी का शौक रखने वाले मुलायम सिंह ने 55 साल तक राजनीति की। मुलायम सिंह 1967 में 28 साल की उम्र में जसवंत नगर से पहली बार विधायक बने, जबकि उनके परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। 5 सितंबर 1989 को मुलायम पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, बाद में वे 2 बार और प्रदेश के सीएम रहे। उन्होंने केंद्र में देवगौड़ा और गुजरात सरकार में रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह 7 बार लोकसभा और 9 बार विधायक चुने गए। 1992 में सपा बनाई, फिर सियासत के महारथी बन गए। तो ये था मुलायम सिंह यादव के जीवन का कुछ पहलू जिस पे हमने नज़र डाला। और आइए कुछ और भी चीज़ें बताते हैं आपको। योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट किया है कि मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिन का राजकीय शोक की घोषणा करती है, उनकी अंतिम संस्कार पूरी राजकीय सम्मान के साथ होगा। तो जो भी राजनीतिक गलियारे के लोग हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सब अपने अपने तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि देश को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, एक बहुत बड़ा नेता गंवा दिया है। तो मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, पूरे भारत के कद्दावर नेता थे, और पूरी पूर्वांचल पोस्ट की टीम से हम भी उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और ऐसा नेता ना हुआ है ना होगा। नमस्कार।